शनिवार को मां नर्मदा मैरिज गार्डन बमोरी में वीर ब्राह्मण सेना मध्य प्रदेश के तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भगवान परशुराम के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित एवं फूल मालाएं चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन पंकज शर्मा ने विप्र बंधु ब्राह्मण समाज के अतिथियों का तिलक लगाकर फूलमाला से सम्मान किया। वीर ब्राह्मण सेना मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रमेश शर्मा ने विप्र बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज हक के लिए एकजुट हो तभी करा सकेंगे ताकत का एहसास। समाज के गरीबों को भी विकास करने का समान अधिकार है, इसलिए गरीब ब्राह्मणों को भी आर्थिक आधार पर लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए समाज के लोगों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए, तभी समाज का विकास होगा। आगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य राजेश शर्मा ने कहा, आज समाज से जुड़ी बहुत बातें सरकार एवं नेताओं के समक्ष नहीं रख पाते हैं। इसका कारण समाज से जुड़ी जानकारी की कमी। आज देश में ब्राह्मण समाज की उपस्थिति हर जगह है, लेकिन राजनीतिक हैसियत ब्राह्मण समाज की धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए समाज के बीच जाकर उनकी समस्याएं एवं बातों को सुना जाए, ताकि बेहतर तरीके से सरकार एवं नेताओं के सामने बातों को रखा जा सके। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन जिला ब्यूरो मदन वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, उद्देश्य तो बहुउद्देश्य है हमारे। वीर ब्राह्मण सेना संपूर्ण भारत में काम कर रही है। उसी कड़ी में हम रायसेन जिला के आज बरेली सिलवानी तहसील में आज वीर ब्राह्मण सेना की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के सभी गांव से लोग उपस्थित रहे और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की। शोषित वंचित ब्राह्मण समाज, जिसकी अहम भूमिका सर्व समाज में है, सर्व समाज का मार्गदर्शन करने वाला ब्राह्मण समाज आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जो आरक्षण व्यवस्था है, वह या तो सभी को बराबर होना चाहिए, वरना हमारे ब्राह्मण समाज में भी ऐसे गरीब बंधु हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता है। हम नहीं कहते कि किसी का आरक्षण छीना जाए, परंतु हमारे ओर भी ध्यान दिया जाए। हमारा उद्देश्य सबसे पहले तो समाज को जिला में प्रदेश में संगठित करना, इसके बाद कहीं ना कहीं हमें राजनीति से, विभागों से आरक्षण के माध्यम से अपेक्षित रखा है, उस विषय को लेकर हम संगठित होकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, इन उद्देश्यों को लेकर हमारी ये आज वीर ब्राह्मण सेना के बैनर तले आज हमने ये बैठक आयोजित की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी आज यहाँ रहे और क्षेत्र के सभी विप्र समाज आज यहाँ एकत्रित हुई, जिससे हमें आगामी समय में इसको एक बहुत बड़े स्तर तक ले जाने के लिए आज हमने ये मीटिंग आयोजित की। आगामी समय में इस जो बैठक रखी हुई है और जो अब वीर ब्राह्मण समाज सेना का गठन किया गया है, उसके और समाज के लिए क्या क्या सतत रहेगा उसका? समाज के उन निचले स्तर के लोग जो आज कहीं भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, कहीं मंदिरों में पुजारी कर रहे हैं, इनको कोई भी शासन द्वारा या समाज के द्वारा भी कोई अपेक्षित किया जा रहा है, इस हिसाब से हम उनको इस संगठन के माध्यम से उनको अपने स्तर तक लाना और उन्हें न्याय दिलाना, ये हमारा इसमें उद्देश्य मुख्य रूप से है।